देखो मैम एंड टाइम से ही रखेंगे हम लोग करना पड़ेगा मैडम, फिर स्कीम खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर उसके बाद हम लोग एक रुपए नहीं छोड़ेंगे उसके बाद। और इंटरेस्ट देखो ना, जितना लंबा आप ये देखो उतना बैंक लॉस होगा। देखिए आज थर्ड लोक अदालत यहाँ मुनक्कद हो रही है, जो कि हम अंडर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पर मुनक्कद हो रही है। इसमें हमने जो भी केसेस हमारे पास अभी जायज हैं, जिसमें पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, वो केस यहाँ पर उठाए गए। इसके अलावा वो केसेस जो प्री लिटिगेशन, इसमें बैंक केसेस है, BSNL केसेस हैं, इसके अलावा जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उसमें जो फैमिली मैटर्स है और कंपाउंडेबल केसेस है और चेक बाउंस से केसेस जो है उसमें उठाए गए। तो ये पिछले 4-5 दिन से प्री लोक अदालत मुनक्कद कर रहे हैं, अपनी अपनी कोर्टों में अपने बेंच कर रही है। तो इसमें हमने कई केसेस निकाले पहले भी, और आज जो थर्ड नेशनल लोक अदालत है यहाँ पर अभी तक बहुत से केस निकल चुके हैं। तो अभी भी पार्टीज आ रही हैं जिनके मुकदमात हमारे पास हैं, तो हम वो मुकदमा जो है आपस में सलाह मशवरा करके वो केस हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ से जो भी केस ख़त्म होता है वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाता है। इसमें दोनों पार्टीज़ जो होती है उनकी रजामंदी होती है, तो उनकी रजामंदी से ही ये केस हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। थैंक यू सर। स्पेशली कौन सी किस तरह की केसेस थे इसमें? मैंने बताया आपको कि हमारे पास फैमिली मैटर से केस है वो हम उठा रहे हैं, उसके अलावा चेक बाउंस से केस है वो उठा रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो बैंक केसेस हैं वो उठा रहे हैं, इंश्योरेंस केसेस जो हैं वो उठा रहे हैं। थैंक यू। Thank you.